हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन भी जो है धीरे धीरे चार्ज होता है, यानी कि स्लो चार्जिंग होती है, तो आप इस दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ना काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड पेज पर रन करते रहते हैं। आप उन ऐप्स को यूज़ नहीं भी करेंगे ना, तो भी वो आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड पेज पर ऑटोमेटिक जो है रन करते रहते हैं। आपके मोबाइल फोन की बैटरी, मोबाइल फोन का डेटा, काफी सारी चीजें जो है कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी ऐप्स को आपको जो है स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे करना है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऐप्स का ऐप्स पे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना वो सभी ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं, ठीक है। तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे करेंगे, देखिए आपको किसी भी ऐप को सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको है ना रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड का ये ऑप्शन मिलता है, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस का। इस ऑप्शन के ठीक सामने जो सर्कल दे रखा है, सर्कल पे आपको टैप करना है, तो ब्लू टिक मार्क लग जाएगा सर्कल पे, तो इस तरीके से आपका ये वाला ऐप जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल फोन का मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ये ऐप जो है रनिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से आपको मोबाइल फोन के बाकी के सभी ऐप्स को भी स्टॉप कर देना है, ठीक है, जो आपके बैकग्राउंड पेज पे रन करते हैं। अब दोस्तों आपको यहां पर जो है दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काफी बार ऐसा होता है कि आप जो अपने मोबाइल फोन का जो चार्जर और ये केबल यूज करते हैं ना, ये आपके किसी दूसरे मोबाइल फोन आप यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपका मोबाइल फोन जो है धीरे धीरे चार्ज होता है, ठीक है। और आप जो है मोबाइल फोन को जब भी चार्ज करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन के साथ के चार्जर को आप यूज करें। देखिए ओरिजिनल चार्जर ही आपको यूज करना है, ठीक है ना, तभी आपका मोबाइल फोन जो है वो जल्दी चार्ज होगा। और ध्यान रखना है कि आपको जो है ये चेक कर लेना है कि आपका जो अडेप्टर है और जो केबल है ये कहीं खराब तो नहीं होगी, आपको चेंज करके देख लेना है। शायद हो सकता है कि आपका अडेप्टर में इंटरनल जो है डैमेज वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फोन जो है ना स्लो चार्ज करने लग जाता है। तो आपको जो है ना ये कंफर्मेशन कर लेने की आपका अडेप्टर खराब है या केबल खराब है, या फिर आपको जो है दोनों को ही चेंज करना है। और चेंज करेंगे तो आपको ओरिजिनल खरीदना है, ठीक है ना, कोई लोकल नहीं खरीदना है, जिसकी वजह से आपको जो है ना दोबारा से दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। तो यहां पर जो है इन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पर जो है ना आपको करना क्या है कि आपको ये जो मोबाइल फोन का चार्जिंग पोर्ट होता है ना, ये वाला ये जो मोबाइल फोन का चार्जिंग पोर्ट होता है, इसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है ना। और यहां तक कि आपके मोबाइल फोन का जो अडेप्टर होता है, इस अडेप्टर में भी यहां पर जो अगर आप केबल को निकाल के रखते हैं ना, तो इसमें भी धूल मट्टी जमा हो जाती है और आपके मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट में भी धूल मट्टी यहां पर जमा हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहां पर दोस्तों आपको इसे जो है अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपको हल्के हाथों से क्लीन करना है, आपको ज्यादा दबाव नहीं डालना है, नहीं तो अंदर के जो पार्टिकल होते हैं ना ये यहां पर सॉकेट में, तो इसके अंदर के पार्टिकल जो है ना डैमेज हो सकते हैं। आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इससे आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज नहीं करना है स्लो चार्जिंग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको एक प्रोसेस और करना है कि अपने मोबाइल फोन को आपको जो है रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करना है, देखिए मोबाइल फोन के साइड में ना पावर बटन होता है, पावर बटन को आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दिया हुआ होता है, इस रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है, रीस्टार्ट करने से कि आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में और कोई कमियां होती है छोटी मोटी वो दूर हो जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हैंग करता है, स्लो चार्ज करता है, नेटवर्क की कोई दिक्कत होती है, तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। तो रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। अब यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम चेक कर लेना है, सॉफ्टवेयर चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है या नहीं है। चेक कैसे करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन का सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चालू करना है, चाहे वो मोबाइल डेटा है चाहे वो वाईफाई है, ठीक है, इंटरनेट चालू करना है। इसके बाद आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इस पेज के अंदर आपको जो है ना अगर कोई अपडेट का बटन या अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है तो उसे अपडेट पर टैप करना है, ठीक है, तो जिससे आपका मोबाइल फोन जो है ना अपडेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना अपडेट का प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। आपको अपडेट करने में जो है अपडेट होने में मोबाइल फोन को कम से कम 5-10 मिनट या 20 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट करना है, जिससे आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट तभी करना है, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तभी करना है रीसेट, ठीक है ना। तो इससे भी आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। रीसेट कैसे करना है, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना तो आपको इसके अंदर जो है सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे सेलेक्ट करेंगे ना। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा
नीचे इरेज ऑल डेटा का, इस पर टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा, जिससे आपके फोन की स्लो चार्जिंग की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। आपको इरेज ऑल डेटा पर सिलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह, जो भी कुछ डेटा है वो आपको दूसरे मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पर भी ट्रांसफर कर लेना है, ताकि अगर आप जो है ना इसे रीसेट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना वो डिलीट हो सकता है, ठीक है ना, और आपके मोबाइल फोन में जो है दोबारा से उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है, ताकि आप अपने मोबाइल फोन को दोबारा से लॉगिन कर सके, ठीक है ना। तो इन सभी प्रोसेस को आप यूज करके ना आप अपने मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी आपकी समस्या खत्म नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, एक बार अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, अपने फोन को वहां पर दिखा देना है, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि दिक्कत क्या हो सकता है, कि आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है ये जैक होता है, खराब हो चुका होता है, या फिर आपका जो है मोबाइल फोन की बैटरी जो है उसमें कोई खराबी होती है, ठीक है। हमारे मोबाइल फोन में बैटरी जो है फूली हुई दिखाई तो नहीं देती है, पता तो नहीं चलती, लेकिन इंटरनल जो है उसमें डैमेजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सर्विस सेंटर में जाकर दिखा देना है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, स्लो चार्जिंग क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तो वो आपकी समस्या को हल कर देंगे। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस ये सारे के सारे बताए हैं, इन सभी प्रोसेस को आप यूज करेंगे तो इससे भी आपकी स्लो चार्जिंग की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी।